अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब है कैसे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी अपनी किचन की न्यू लुक और किचन की जो मैंने रेनोवेशन कराई है और क्या करवाया है वो सारा मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। और फाइनल लुक किचन की आफ्टर ये सारी रेनोवेशन क्या बननी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी आज लकड़ी का काम ख़त्म हुआ था, अभी मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। ये थी मेरी किचन की कंडीशन और इस कंडीशन को मैंने साफ़ किया है। थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड ने करवाई थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो उन्होंने उठा दी थी, बाकी सारी सफाई मैंने खुद की है। और ये कंडीशन थी क्योंकि किचन में ही काम हो रहा था और किचन मेरा रनिंग था, मतलब खाना वगैरह जो है ना सिर्फ एक दिन मैंने नीचे बनाया था, बाकी सारा किचन में ऊपर ही करती रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये है जी फाइनल लुक। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड करवाई है, ये क्लोज़ेट ये मैंने बनवाया है जी, पेंट्री क्लोज़ेट बनवाया है यहाँ पे, और थोड़ा बड़े साइज़ का बनवाया है कि आप उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल के पेंट्री क्लोज़ेट चल रहे हैं उस टाइप का बनवाया है, लेकिन थोड़ा से बड़े साइज़ का बनवाया है। और ये है जी इसके ना ये फाइनल लुक है इसकी, और सारा कंप्लीट डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये किस तरह से बने। और इसके साथ ही मैंने एक ड्रॉअर बनवाया है आप स्पूंस वगैरह के लिए या कोई भी चीज़ आप छोटी मोटी यहाँ पे रख सकते हैं। और बाकी जो है ना ऊपर इसका डोर पोर्शन है और इसके अंदर भी मैंने पार्टीशन करवाई है। अच्छा, ये जो है ना इसको मैंने यहाँ पे रखना था, इसीलिए मैंने ऊपर एक कैबिनेट भी बनवाया था कि अच्छी सी इसकी लुक बन जाए, लेकिन ये इसकी वजह से ना एक थोड़ा सा डोर खोलने में बंद करने में मुश्किल थी क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ का है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल डोर के सामने आ गया, तो इसलिए मैंने इसको ना यहाँ से फिर बाद में उठा दिया था। कहाँ मैंने इसको रखा है, कैसे सेट करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जिसके अंदर से लुक, इस तरह से मैंने इसके अंदर पार्टीशंस करवाई हैं। आप इसमें पेंट्री की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, उसके अलावा बर्तन वगैरह भी मैं इसमें रख सकती हूँ जो कि मेरे किचन के यूज़ के हैं। तो किचन अभी बिल्कुल फुल रेडी नहीं है, मतलब किचन में अभी मेरे एग्जॉस्ट नहीं है, और उसके अलावा जो सारा जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। वो तो मैंने बनवाने नहीं थी क्योंकि हमारा थोड़ा शिफ्टिंग का प्रोग्राम है, तो इसलिए हम मे बी इसको मैं ना ही करवाऊँ, लेकिन जो मेरा सारा जो बाकी किचन है उसमें मैंने करवा दी हैं। इस तरह से ये देखिए अंदर मैंने पार्टीशन करवाई है, सिर्फ एक ये जो अंडर शेल्फ जो रैक था इसके अंदर उन्होंने पार्टीशन की है, बाकी जो थे उसमें पार्टीशंस नहीं हैं। और उसके अलावा ये इस तरह से देखें इसकी लुक है, और किचन की कंडीशन देखें इस तरह से थी। इसको सारा फिर मैंने समेट लिया है, फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किचन की मेरी लुक किस तरह की बनी है। तो यहाँ पे देखें ये बाहर की भी कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री की थी नेक्स्ट डे, और लॉन्ड्री सारी क्योंकि मैंने काम लगा हुआ था काफ़ी दिन लगा रहा एक वीक, तो उसमें मैंने लॉन्ड्री नहीं की थी। तो यहाँ पे देखें कपड़े, और ये देखें सारे घर की हालत क्या हुई पड़ी है, इसको मैंने अब सबको क्लीन करना था। और फाइनल लुक फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह की बनी है। और ये सारे काम भी करने वाले थे जब नेक्स्ट डे हुआ था, तो उसमें मैंने फिर सबसे पहले तो किचन तो मैंने क्लीन कर लिया था, सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री की, और ये कैबिनेट जो थी ये भी मेरी रेडी हो गई है, इसको बस मैंने साफ़ करना है और उसमें मैंने कपड़े वगैरह रखने हैं। तो इसको मैंने सिर्फ ड्रॉअर लगा है, इसका कोई लॉक वगैरह नहीं लगा। तो उसके बाद ये देखिए बर्तन जो थे ना सारे मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, ये साथ मेरा एक स्पेयर रूम था उसमें मैंने सारे बर्तन रख दिए थे। अब सब बर्तनों को सब चीज़ों को मैंने वॉश करके दोबारा से कैबिनेट्स में रखना है, सब चीज़ें मैंने दोबारा वॉश करके कैबिनेट्स में रखी थी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम तो मैंने किचन सेट कर लिया हुआ था, तो सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश की, फिर ड्राई की, फिर उसके बाद मैंने इनको सेट करके जो जो जगह पर सही लग रही थी वो मैंने सेट किया है। तो ये देखें जी जो ऊपर जो शेल्फ थी एक एक बॉक्स था उसको मैंने इस तरह से अरेंज किया, उसमें मैंने सारे मसाला बॉक्स और छोटी मोटी चीज़ें जो इन हैंड होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, बेकिंग की चीज़ें, और उसके अलावा फूड कलर्स जो मतलब ऑफनली यूज़ होते हैं मैंने यहाँ पे रख दिए। उसके बाद ग्लास बाउल्स ये सारे जो है ना जो मैं वीडियो के लिए मुझे चाहिए होते हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए ताकि ये भी इन हैंड हो, मुझे यहाँ पे निकालने में इससे मुश्किल ना हो। और सारी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे मैंने रख दी हैं। और दूसरा ये कि ये शीशे के जो बर्तन हैं बच्चों की पहुँच से भी दूर हो गए, क्योंकि अगर नीचे वाले मैं किसी बॉक्स में रखती रहा तो वहाँ पर वो ओपन करके उसको निकाल सकती हैं और तो ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर मैंने सारी सेट कर दी हैं, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर इन हैंड हैं, मैं आराम से कोई भी चीज़ मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। और मसाला बॉक्सेज और इसके अलावा मैंने सारे जो शीशे के बॉक्स बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और अलमारियाँ जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं दूसरे रूम में अपने। ये वाली अलमारी भी मैंने यहाँ पे रख दी है, जो बेसिकली जो इसकी रीज़न है वो ये है कि मेरे जो है ना अभी फ़िलहाल मेरी किचन में एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, तो आपको पता है किचन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि ये अलमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चलो कैबिनेट्स तो बंदा साफ़ कर लेते गए बगाए साथ साथ साफ़ हो जाते थे, तो ये अलमारी जो है आगे से पीछे से सारी तरह से हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। ये है जी फाइनल लुक किचन, यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर लिया था। ऊपर यहाँ पर बस मैंने एक कैबिनेट वही बनवाया था जो मैंने
अलमारी के साथ वाले पोर्शन में बनाया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से उठाना पड़ गई। तो ये है जी इसकी लुक, थोड़ी सी चेंजेस मैंने और करनी है इसमें, उसके बाद मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो मैंने क्लीन करके इसकी लुक दिखाई थी आपको, ये वो लुक है इसकी। और ये है जी मेरा जो चूल्हे वाला पोर्शन है वो, और उसके साथ साथ मैंने तो ये थोड़े से बजट में मैंने थोड़ा सा जो है ना किचन अपना सेट किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है ना मुझे स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी और मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद मिल जाएगी। और तीसरा ये कि आप ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहे। ये थी जी मेरी किचन की बिफोर रेनोवेशन लुक और आफ्टर रेनोवेशन लुक, अभी आपके साथ मैं सारी शेयर कर रही हूँ करते हैं। और ये मेरा सिंक वाला पोर्शन है, उसमें मैंने यहाँ पे देखिए सीरियल बॉक्स मेरा पड़ा हुआ है, उसके साथ मैंने बर्तनों का रैक दूसरी साइड पे रखा हुआ है। तो ये मेरी सबसे बिजीएस्ट साइड है किचन की, और ये इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये है जी फाइनल किचन की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज